मार्शियंस यानी मार्स में रहने वाले वाकई हो सकते हैं भविष्य में। लेकिन साइफाई मूवीज के एलियंस की जगह मार्शियंस वो इंसान होंगे जो मार्स में जन्म लेंगे और बड़े होंगे, और इस एपिसोड में आप उनमें से एक हैं। आपकी स्किन ऑरेंज क्यों होगी? क्या आप किसी और स्पीशीज का हिस्सा होंगे? और क्या आप कभी अर्थ पर आ पाएंगे? आप देख रहे हैं व्हाट इफ हिंदी, और यह है क्या हो अगर आप मार्स में पैदा हुए हो। हमारे इससे पहले के कुछ एपिसोड्स में हम देख चुके हैं कि मार्स पर रहने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, लेकिन ये तो कहानी का आधा ही हिस्सा था। रेड प्लैनेट में एक स्टेबल सेटलमेंट बनाने के लिए लोगों को बच्चों को जन्म देने की जरूरत होगी। एक स्वस्थ नॉन इनब्रेड यानी अस्वाभाविक आबादी बनाने के लिए हमें कितने लोगों की जरूरत होगी? कुछ लोगों का कहना है कि हमें सिर्फ 98 लोगों की जरूरत होगी, लेकिन कुछ का कहना है हमें कम से कम 10,000 लोग चाहिए होंगे। लेकिन चाहे ब्रीडिंग पॉपुलेशन का साइज जो भी हो, हमें अर्थ पर रहने वालों और मार्शियंस में फर्क देखने के लिए सिर्फ कुछ सालों का ही इंतजार करना होगा। सोलर सिस्टम में अर्थ से सबसे ज्यादा मिलता जुलता प्लैनेट मार्स ही है, लेकिन यह बिल्कुल अर्थ जैसा नहीं है। इसकी ग्रेविटी, एटमॉस्फेयर और मैग्नेटिक फील्ड से इंसानी जीवन के लिए कुछ गंभीर चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं, और अक्सर चुनौतियों के साथ ही एवोल्यूशन होता है। अर्थ पर पैदा होने वाले बच्चे करीब 120 जेनेटिक म्यूटेशंस के साथ पैदा होते हैं। अगर आप इन बच्चों को मार्स पर ले जाएंगे तो इनमें ऐसी म्यूटेशंस होनी शुरू हो जाएंगी जो मार्शियन जीवन के लिए जरूरी होंगी, और इनकी आने वाली पीढ़ियों को भी इनसे ये म्यूटेशंस मिलेंगी। जब तक हम मार्स में सेटल होंगे, हमारे पास शायद अपने जीन्स को बदलने की काबिलियत हो, जिससे मार्शियन एवोल्यूशन और तेजी से हो सकेगा। तो अगर आप मार्शियंस की तीसरी या चौथी पीढ़ी में जन्म लेते हैं तो आप आज जो हैं उससे काफी अलग होंगे। लेकिन आपकी बॉडी में बदलाव आने के पीछे की मेन वजहें क्या होंगी? सबसे पहले तो ग्रेविटी। मार्स के पास अर्थ के मुकाबले सिर्फ 1/3 ग्रेविटी है, तो आपकी हड्डियों को उतना फोर्स महसूस नहीं होगा जितना अभी होता है। आपकी हड्डियां अपनी डेंसिटी खो देंगी और ज्यादा नाजुक हो जाएंगी। इनका टूटते रहना एक आम बात होगी। फिर आता है एटमॉस्फेयर। अर्थ पर आपको एक डेंस एटमॉस्फेयर की आदत होती है, जिसमें ज्यादातर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है, लेकिन मार्स पर आपको एक पतले एटमॉस्फेयर की आदत होगी जो ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड का बना हुआ है और जिसमें ऑक्सीजन सिर्फ थोड़ी ही मात्रा में मौजूद होगी। आप पूरी तरह से नया रेस्पिरेटरी यानी सांस लेने का सिस्टम इवॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप ऑक्सीजन की कमी के साथ रहने के कुछ दूसरे तरीके जरूर डेवलप कर लेंगे। जैसे आपके पास और ज्यादा कैपिलरीज यानी कोशिकाएं होंगी जो कि खून को एक से दूसरी जगह पहुंचाने और आपके मसल्स में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में ज्यादा कुशल होंगी। लेकिन इन चीजों के बावजूद आपको खराब एटमॉस्फेयर में जिंदा रहने के लिए या तो जमीन के नीचे रहना होगा या फिर एक काफी इंसुलेटेड घर में। और क्योंकि मार्स पर मौजूद जीवन छोटी छोटी स्पेसेस तक सीमित होगा, मार्शियंस को ज्यादा दूर तक देख पाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, आपकी दूर की नजरें जन्म के साथ ही कमजोर होंगी। और आखिरकार आती है रेडिएशन। अर्थ के पास एक मजबूत मैग्नेटिक फील्ड होती है जो हमें जानलेवा सोलर रेडिएशन से बचाती है, लेकिन मार्स के पास एक कमजोर मैग्नेटिक फील्ड है जो पूरे प्लैनेट में बिखरी हुई है। अर्थ पर हमारी बॉडीज में मेलानिन बनता है, ये हमें उस रेडिएशन से बचाता है जिसे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड नहीं रोक पाती, लेकिन मार्स पर पड़ने वाली रेडिएशन ज्यादा तेज होगी और मेलानिन उसे रोक नहीं पाएगा। इसकी जगह आपकी स्किन कैरोटीनॉइड्स बनाएगी। ये पिगमेंट आपकी सेल साइकिल की स्पीड को कम करते हुए या उसे रोककर स्किन कैंसर से बचने में आपकी मदद करेगा। कैरोटीनॉइड से मेलानोमा सेल्स खुद को खत्म भी करने लगते हैं। ये वो चीज भी है जिनसे कैरेट यानी गाजर को उसका चटक ऑरेंज रंग मिलता है। हाँ, दूसरे शब्दों में आपकी स्किन ऑरेंज होगी। तो आपकी बॉडी में ये सारे बदलाव आने के बाद भी क्या आप अर्थ पर घूमने आ सकेंगे? मार्स में उन टाइप्स के बैक्टीरिया और वायरस नहीं होंगे जो अर्थ पर होते हैं, तो आपका रोगों से लड़ने वाला सिस्टम अर्थ पर रहने वालों के मुकाबले कमजोर होगा। इसका मतलब है कि अर्थ आपके लिए एक खतरनाक जगह साबित हो सकती है, और अगर आपका रोगों से लड़ने वाला सिस्टम मजबूत भी हो तो भी अर्थ की ग्रेविटी आपकी नाजुक हड्डियों को तोड़ सकती है। अगर आप मार्स पर पैदा होते हैं तो शायद आपको वहीं रहना पड़े।
इंसान काफी वक्त से ऐसे ही दिखते आए हैं जैसे अब दिखते हैं, लेकिन मार्स में कुछ पीढ़ियों तक रहने से हमें ऑरेंज और पास की नजर वाले इंसान मिल सकते हैं जो कम ऑक्सीजन के साथ भी जिंदा रह सकेंगे। और एक बार हम मार्स में अच्छे से सेटल हो जाएं, तब शायद हम वहीं नहीं रुकेंगे। भविष्य में हर तरह के प्लैनेट्स में इंसानों की कॉलोनीज हो सकती हैं, सोलर सिस्टम के बाहर भी। क्या हो अगर जिन सारे एलियन से मिलने के लिए हम इतने एक्साइटेड और डरे हुए हैं वो इंसानों का ही भविष्य का वर्जन हो? जानने के लिए देखते रहें व्हाट इफ हिंदी।